खंभा गणिसा आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान, स्वागत है आपका वीएमआर भारत टीवी में। तो आइए रुक करते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया जयपुर के ब्रिगेडियर जेएस बिस्ट ने झुंझुनू कैंटीन सैनिक कल्याण के कार्यालय का और ईसीएच का दौरा किया। इस दौरान ईसीएचएस प्रभारी कर्नल राजेंद्र सिंह भी दौरे पर साथ रहे। बता दें, इस दौरान लीग उपाध्यक्ष कैलाश सुरा ने बताया कि डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने पूर्व सैनिकों से जुड़ी समस्याओं पर गहनता से विचार विमर्श किया। साथ ही जिला मुख्यालय पर पूर्व सैनिकों की निर्भरता ज्यादा होने की वजह से कैंटीन कलेक्शन महीने में कम से कम 3 बार करने की बात रखी तथा ईसीएचएस के रास्ते पर बिजली के पोलों को शिफ्टिंग के डिमांड नोटिस का खर्चा भी सब एरिया हेडक्वार्टर से देने की बात कही। वहीं ब्रिगेडियर जेएस बिस्ट ने गुड्डा कैंटीन भवन का दौरा भी किया, जहां जीओसी ने बताया कि गुड्डा में जल्द से जल्द कैंटीन शुरू करवा दी जाएगी। कोटपूतली में 3 बाइक सवार बदमाशों ने कस्बे के 3 होटलों पर एकाएक फायरिंग कर दहशत का माहौल बना दिया। बता दें, तीनों ही होटल में बड़ी मुश्किल से होटल मालिक व स्टाफ ने अपनी जान बचाई है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने होटल में रंगदारी मांगने को लेकर फायरिंग की। बदमाशों ने तीनों होटलों में रंगदारी मांगने को लेकर चिट्ठी छोड़ी, जिसमें बदमाशों ने अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर छोड़ा है। बता दें कि चिट्ठी में बताया गया है कि अगर आप लोगों को होटल चलना ना है तो हर माह 50,000 रुपये भिजवा दें। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान जयपुर रेंज आईजी ने बताया कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही बदमाशों को पकड़कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सारी टीम ने ये तीनों मौके विजिट किए हैं और कुछ लीड्स हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसमें तीव्रत कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी और बहुत ही कठोर सख्त कार्रवाई इसमें अंजाम में लाई जाएगी। हमें लीड्स मिली हैं जिनको डेवलप किया जाएगा और इस इलाके में हमारा इरादा बहुत ही क्लियर है कि किसी भी किस्म का ये चीज़ को पनपने नहीं दिया जाएगा, इसको नहीं सर उठाने दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ी क्लियर हैं और इसमें कुछ, जैसा मैंने कहा, लीड्स हैं जिनसे वर्क कर रहे हैं और जल्द ही इसमें आगे कार्रवाई होगी। सर, ये आदतन अपराधी हैं, कौन है, जैसे को आइडेंटिफाई हो पाएगा? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, इसको पूरा डेवलप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, बदमाशों ने जो होटलों को जो लेटर दिया है उसमें उन्होंने पूरी आइडेंटिटी दी है और एक ऐसे ये चैलेंज दिया है पुलिस को कि आइडेंटिटी देकर के कि हमें कैच कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है? ये हम सारी की सारी समग्र रूप से इसको देखकर आगे बढ़ रहे हैं और पूरी टीम जो है इसमें लगी है। एक स्पेशल एक ग्रुप की बनाकर टीम बनाकर इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इसमें तीव्रत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माणिकलाल वर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदेसर में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, इस दौरान कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का 7 दिवसीय राष्ट्रीय समाज सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम प्रधानाचार्य मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान NSS शिविर के आयोजन प्रभारी व्याख्याता कैलाश चंद मेनारिया ने बताया कि 7 दिवसीय शिविर में विद्यार्थियों को शिविर योजना के अनुसार विभिन्न सामुदायिक गतिविधियां आयोजित करते हुए कार्य विभाजन किया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी का योजना अनुसार कार्य से संबंधित रिकॉर्ड संधारण एवं दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं समारोह के बाद विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर को साफ सुथरा बनाने के लिए श्रमदान किया। लवन पुलिस का एक मामले को लेकर पैसों की लेन देन का ऑडियो वायरल हो रहा है। बता दें, बीती 11 फरवरी को लवन के शुभम साहू के घर से पुलिस ने 1 क्विंटल गांजा जब्त किया था। वहीं जब्त गांजे के मामले को लेकर लवन पुलिस चौकी प्रभारी बीके सोम और
चौकी में पदस्थ ASI संजीव राजपूत के द्वारा 8 लाख रुपए लेकर मामले को दबाने की बात करने का ऑडियो वायरल हुआ है। वहीं मामले से बचने के लिए पुलिस ने कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, इस ऑडियो में पुलिस गांजा तस्कर से पैसों की खुलेआम बात कर रही है। वहीं मामला अब मीडिया में आने के बाद पुलिस ऑडियो की जांच कराने की बात कह रही है। कौन से तारीख की घटना है जिस दिन पुलिस आपके यहाँ रेड की थी? 11 फरवरी। और अब तक जो है पुलिस इस मामले का खुलासा क्यों नहीं कर रही थी अगर आपके यहाँ गांजा मिला था तो? नहीं, लेडीज पुलिस भेजत रही से और पुलिस वाला भेजत रही से कि मतलब चौकी आ कह के, और लड़का वाला काय कही से नहीं जाना पर मतलब ओमन चल दे रही से हमसे भाग गए रही से कि लो मतलब गांजा लाने हैं शुभम साहू और शिव साहू ऐसे कह के। पुलिस आपके यहाँ रेड कार्रवाई करने आई थी अगर गांजा मिला था तो पंचनामा वहाँ पे हुआ था? नहीं हुआ था अब तक नहीं हुआ। और ये जो कहा जा रहा है कि लवन पुलिस से पैसे के लेन देन की बात चल रही थी, क्या जानते इसके बारे में? एक बारे में मतलब पैसा वैसा मांग करी से उमान कौन किया था नाम बताइए? ओम राजपूत। सोम और राजपूत। हाँ, कौन है, कहाँ पदस्थ हैं ये लोग? लवन चौकी से है। आप कहाँ का है ये? ठीक, कितना पैसा का डिमांड किया था? 8 लाख के डिमांड हुए। और कितना पैसा दिए थे आप लोग? 6 लाख रुपया बबली दी। निवाई उपखंड के श्याम दीवाने मित्र दत्तवास की ओर से बीती रात कस्बे के रघुनाथ मंदिर प्रांगण में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। बता दें, इस अवसर पर श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार कर पुष्प व इत्र वर्षा के साथ 56 भोग की झांकी सजाई गई। वहीं भजन संध्या में गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्याम भक्तों को भक्ति रस में डुबकी लगवाई। इस अवसर पर श्याम मित्र मंडल के समस्त सदस्य व सांवरिया सोनी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए VMR भारत TV से।